और आज का फोटो जो हम लोग लिए हैं आप इंस्टाग्राम पे उसको देख सकते हैं। और ये जो पानी आपको दिख रहा है अभी ऐसा कैसा बाहर फिर आ गया हम लोग के क्षेत्र में, और ये आपको लग रहा होगा कि झीली इलाके में आ गए हैं। तो थोड़ा बहुत कैनाल है नारायणी और बूढ़ी गंडक का जो पानी इधर आता है हम लोग के तरफ भी आ जाता है, और ये वाकई बेहतरीन लग रहा है। बहुत दिनों बाद मानता हूँ कि हजारों यूट्यूबर हजारों ब्लॉगर लोग हैं, एग्जैक्ट में जो जी रहा है वो बस चुनिंदा लोगों में से एक हर एक शेयर कर रहे हैं आपसे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ब्लॉगर लोग हैं, आपको स्टेटस में मिलता ही होगा, देखता ही होगा। और हम लोग अभी लोग हैं चंपारण के एक NH हाईवे है, नेशनल हाईवे, और यहीं से सारी गाड़ी को पिकअप करना पड़ता है, मतलब रनवे बगल में ब्रिज भी बन रहा है, तो आने वाले समय में जितने भी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हेवी ट्रकर्स है वो उधर से ही जाएंगे और इस रोड का भी मरम्मत हो जाएगा। तो ये धूल भरी आंधी जो आती है मार्केट में कम आएगा। यहाँ पे हम लोग मार्केट में पहुँच गए हैं, और जो गलियारा रोड वाला मार्केट है वही होता है। शाम का समय है, भीड़ काफ़ी रहता है सब्जी भाजी लेने में, वही वाला भीड़ है। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गया आशीष भाई, हाँ अब यहाँ से शायद 10 किलोमीटर और होगा। हम लोग छोटा राइड ले रहे हैं, छोटा छोटू सा मेंटेनेंस राइड आप बोल सकते हैं, बाइक में मेंटेनेंस और हम भी तरोताज़ा हो जाएंगे, मीन्स वार्म अप जरूरी है। तो बहुत क्राउड बढ़ते हुए शाम का समय में भी क्राउड हो जाता है, जितने भी लोग हैं सब्जी शाम का सब्जी नाश्ता जैसा कुछ है भीड़ भाड़ हो ही जाता है, और जहाँ जहाँ चौक चौराहा है वहाँ पे तो भीड़ बेसिकली रहेगा ही शाम में। तो यहाँ से भीड़ नहीं मिलेगा क्या से भाई, हाँ रोड हो गया है। तो बहुत लोग बोल रहा था कि यार भाई आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो ब्लॉग आएगा धीरे धीरे, ताकि एग्जामिनेशन जब आता है तो आदमी को अच्छा खासा प्रिपरेशन करने में समय लग जाता है, और हम सब चीज़ आप करना चाहोगे होगा आपको, ये चीज़ कर सकते हैं, आपको ये चीज़ में सबसे मोटिवेशन देता है आपको कैमरा ब्लॉगिंग। शाम का समय हो चुका है तो मैं ज़्यादातर चाहूँगा कि आपको रनवे रास्ता दिखाऊँ जो मिस ना कर दें आप मेरे वीडियो के द्वारा ब्लॉग के द्वारा, चलिए दिखाते हैं।
के नजारा आ रहा है। आप नजारा मत लीजिएगा। नहीं मजा कर रहे थे, जूस सा बात, राइडिंग में मजाक ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो तो राइडिंग नहीं होता है। मोटर ब्लॉगिंग हो, बाइक हो, इस सब में आपको फुल एंटरटेनमेंट चाहिए। सब एंटरटेनमेंट करते हुए आपको मोटिवेट करता है ब्लॉगर, रिस्क लेके चलता है हर एक सिचुएशन में। तो इसी बात से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, बीच बीच में वीडियो डालते रहता हूँ, और अच्छा लगे तो शेयर भी मार दो यार। तो ये वो रोड जो है बेसिकली नेपाल जाता है, और चंपारण से कनेक्टेड नेपाल भी आप यहाँ से जा सकते हैं। ना घर संसार, और यहाँ पे घर संसार अथॉरिटी के अधीन एक कसरत बसाया जा रहा था, और जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन मनोज तिवारी भी रह चुके हैं। अब फिलहाल तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये भी चीज़ सिस्टम आई थी, जो आप फ्लैट खरीद सकते हैं जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, प्राइसेस कम कॉस्टली प्राइस पे। तो ये रहा, इसमें भी फुल बुकिंग है, आप आदमी लगभग फैमिली रहती है इसमें, तो ये सब चीज़ अगर गरीब लोगों के लिए भी हो तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और हम बाइक पे आगे आ जा रहे हैं, बार बार एक वीडियो बोलने के चक्कर में आगे रखना पड़ता है हैंडल को, और साउंड एडजस्ट कर लेना भाई, ताकि मैं पता ही आपको कि जितना बड़ा गैजेट उतना बड़े गैजेट महंगा होता है, और इसका धीरे धीरे अगर अच्छा खासा चला तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका माइक लेने का, और धीरे धीरे मैं लूँगा, वो भी आपको बेटर साउंड मिल सकता है। तो आने वाला टाइम में बहुत कुछ है, स्पेशल सरप्राइज बहुत कुछ होगा लाइफ से रिलेटेड, तो हर एक चीज़ में ब्लॉग में डालते रहूँगा और आपको बताते रहूँगा, इंटरटेनमेंट करते रहूँगा। एक ब्लॉगर की कहानी जिसके पीछे बहुत कुछ रहती है, हर एक कोई ब्लॉगर नहीं बोल सकता है, बहुत चीज़ रिस्क लेके चलना पड़ता है। तो चलिए जा रहा घूमते फिरते बहुत बेहतरीन लग रहा है। और ये झील नहीं है, बाढ़ वाला पानी जो है इकट्ठा हो चला है, तो ये सोचे हम लोग ऐसा ऐसा नज़ारा देखने को बहुत कम मिलता है शहर में, तो सोचे कि यहाँ पे उतर के फोटो किया जाए और वीडियो किया जाए। यहाँ पे फोटो ले रहा है आशीष भाई, देखिए आज का फोटो जो हम लोग लिए हैं, आप इंस्टाग्राम पे हम देख सकते हैं, ये फोटो हम लोग डालेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ आप जाके सी ऑन कर लेना, देख लेना फिर आप नज़ारा देखिए। अभी हम लोग का गेम हो गया। क्या भाई आशीष भाई, ये मुझे हुआ कि स्लोमो पे एडजस्ट हो गया था कैमरा, और सारा जो मैं ब्लॉगिंग किया हूँ उस
सब ब्लॉगिंग एक्चुअली स्लोमो हो गया है, तो पता नहीं वो रिकवरी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं, नहीं तो फिर आना होगा कल। और एक बार और बता दूँ कि एडिटिंग करने में मुझे करीब करीब 3 से 4 दिन लग जाते हैं। डेली एक एक वीडियो, एक एक फ्रेम एडिट करना पड़ता है मुझे टाइम के हिसाब से, कई और सभी काम रहती हैं आपको, तो उस टाइम के हिसाब से आपको एडिटिंग करना पड़ता है फ्रेम बाय फ्रेम, हर एक डेली स्लॉट बाय स्लॉट, तो उसी के कारण अच्छा खासा डिले होता है। नहीं तो रेगुलर मैं डालते रहूँगा ब्लॉग। और इधर एक जगह और जाने का प्लान है, तो बहुत जल्द होपफुली वो भी पूरा हो सके तो हो जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो चलिए एक बताना था थोड़ा सा, वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाया था, तो चलिए इस ब्लॉग में मैं एंड करता हूँ, और जो आपको पता ही होगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। हम मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे एक नया नज़रिया लेके, ब्लॉग में नया दृश्य लेके बहुत जल्द। आपका चाहता है देसी सेलिब्रिटी एस बसंत। जय हिंद।